ओके, तो लास्ट क्लास तक हमने क्या क्या करा था? मुझे ऐसा याद है कि अपन फ्लक्स पढ़ रहे थे, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मीनिंग क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये वाली अपनी बातें चल रही थी, है ना? यस। और अब वो गॉस लॉ के पास पहुंच गए थे, गॉस लॉ स्टार्ट करना था। तो सबसे एंड में जो मैंने एक क्वेश्चन दिया था आपको, जो अपने सबसे आखिरी क्वेश्चन करा था कल आखिरी क्लास में, उसमें आपको मैंने एक सर्कुलर एरिया दिया था, और सर्कुलर एरिया के एक्सिस पर एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट था। सर्कुलर एरिया के एक्सिस पर एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट था, आपको इस एरिया से फ्लक्स निकालना था। तो सिस्टम कुछ ऐसा है कि मेरे पास एक ऐसा एक प्लेट जैसा सर्कुलर एरिया है, और उसके एक्सिस पर कहीं यहाँ पर एक पॉइंट चार्ज प्रेजेंट है। तो वो साइड से ऐसा कुछ 3D में दिख रहा है आपको। इस पॉइंट चार्ज की वजह से इस एरिया से आपको फ्लक्स निकालना था, है ना? तो इसका रिजल्ट क्या आया था आपको शायद याद हो, मैंने आपको ये एंगल प्रोवाइड करा था क्वेश्चन में अल्फा। तो पॉइंट चार्ज की वजह से यहाँ पे जो फ्लक्स आया था थ्रू दिस एरिया, वो आ रहा था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 पाई इंटू 1 माइनस कॉस अल्फा डिवाइड बाय 4 पाई, है ना? हमारे पास ये फ्लक्स आ गया था। ठीक है, चलो। तो ये अपन ने क्वेश्चन एक लास्ट क्लास में करा हुआ था, मैंने जस्ट उसको आइडिया वापस से बता दिया इसका कि क्या करा था अपन ने, फ्लक्स ये निकाला था, ये आंसर दे दिया। अब इससे रिलेटेड ही मुझे एक क्वेश्चन और कराना है, लेकिन आप इस क्वेश्चन जो मैं देने वाला हूँ उसकी कुछ ट्रिक भी होती है, जिनको ट्रिक पता होगी ट्रिक से मत करिएगा, बेसिक से। मैं चाहता हूँ आप इंटीग्रेशन से बेसिक से करें, ठीक है? थोड़ा इंटीग्रेशन की प्रैक्टिस चाहता हूँ कि आप लोग करें। तो आपके लिए एक नया क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। मेरे पास एक सिलेंडर है, ये मेरे पास एक सिलेंडर है, देखो, ठीक है? ये बस एक सरफेस है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी मटेरियल से बना हुआ सिलेंडर है, जस्ट हमें इमेजिन करना है 3D, 3 डायमेंशन में हमारे पास एक सिलेंडर है। इस सिलेंडर का एक्सिस होगा, ठीक है? इस सिलेंडर के बिल्कुल सेंटर पे जाकर हमने एक पॉइंट चार्ज क्यू को रखा हुआ है। इस सिलेंडर के सेंटर पे जाके पॉइंट चार्ज क्यू को रखा हुआ है ना? और पॉइंट चार्ज जो यहाँ रखा हुआ है वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ से वर्टिकल डायरेक्शन से सेंटर पे रखा है, तो इक्वल इक्वल एंगल है, बीटा बीटा एंगल है, दोनों तरफ से जो एंगल ये बन रहे वो बीटा है, ठीक है? आई हैव अ सिलेंडर जिसके सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। द लेंथ ऑफ सिलेंडर आप ले सकते हो एल है, द रेडियस ऑफ सिलेंडर आप ले सकते हो आर है, ठीक है? आपको इस सिलेंडर की कर्व सरफेस से कुछ फील्ड लाइन क्रॉस करती दिखेगी बिकॉज ऑफ द पॉइंट चार्ज, एम आई राइट? आई हैव अ सिलेंडर, सिलेंडर के सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, तो ड्यू टू पॉइंट चार्ज जो फील्ड लाइन बाहर निकलेगी उसी कर्व सरफेस से पास होगी ना, क्या सही बात कर रहा हूं मैं? सिलेंडर की कर्व सरफेस से कुछ फील्ड लाइन पास होगी, बताओ। जो बच्चे थोड़ा लेट आए हैं तो उनको बता देता हूं, मैं एक क्वेश्चन देने वाला हूं बस, तो क्वेश्चन समझा रहा हूं अभी बस। मैंने एक सिलेंडर लिया है, सिलेंडर कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक बस स्पेस, एक आपको मैंने एक सरफेस दिखाई है, सिलेंड्रिकल सरफेस है। इस सिलेंड्रिकल सरफेस के सेंटर पे पॉइंट चार्ज है, ड्यू टू पॉइंट चार्ज देयर विल बी फील्ड लाइंस एमिटिंग फ्रॉम द पॉइंट चार्ज, और वो सिलेंडर से पास करेगी, सिलेंडर की कर्व सरफेस से पास करेगी। तो आपको बताना है कि कर्व सरफेस से फ्लक्स कितना होगा। क्वेश्चन है, फ्लक्स टू कर्व सरफेस, कर्व सरफेस ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर की डायमेंशन वगैरह सब चीजें मैंने दे दी आपको। सेंटर पे, सिलेंडर के एकदम सेंटर पे पॉइंट चार्ज रखा हुआ, करिए ट्राई। इस सिलेंडर की कर्व सरफेस से फ्लक्स निकालना है, सिर्फ कर्व सरफेस से और कहीं से नहीं। क्वेश्चन अंडरस्टूड? क्वेश्चन में कोई डाउट? क्या क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है सबको? चलो, क्वेश्चन मुझे लगता है सबको क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो फटाफट ट्राई करो, एक बार आंसर देने की कोशिश करो। दक्ष, मैंने क्या बताया, ये बस एक सरफेस है, ये कोई मटेरियल की नहीं बनी है, कोई मटेरियल नहीं है, कुछ नहीं। यहाँ पर यू जस्ट नीड टू इमेजिन अ सिलेंड्रिकल सरफेस, और सिलेंड्रिकल सरफेस से क्या फ्लक्स पास कर रहा है वो बताना है आपको, है ना? तो देर इज नो मटेरियल और एनीथिंग, तो होलो या सॉलिड का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? जस्ट इमेजिन कि मैंने एक पेपर को ऐसा कर्व कर दिया है, और पेपर को ऐसा कर्व करके सिलेंडर जैसा बनाने की कोशिश करी है, तो जो कर्व सरफेस है ना उससे फ्लक्स कितना वो बताना है।
अच्छा, फ्लक्स निकालने के लिए क्या करते हैं अपन? आपको मैंने फ्लक्स पूछा है, इस कर्व सरफेस से कितना पास करेगा, तो फ्लक्स कैसे निकालते हैं? छोटा सा फ्लक्स लेते हैं छोटे से एरिया से, फिर उसको इंटीग्रेट कर देते हैं, है ना? तो छोटा सा एरिया कैसा लेना चाहिए? इस सिलेंडर की सरफेस पे मुझे छोटा सा एरिया चूज करना है, तो पहले कहीं पर रेंडम छोटा सा एरिया लो और देखो कि वो जो एरिया से फ्लक्स खींचने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, और आप उन सब चीजों को कॉन्स्टेंट रखते हुए थोड़ा एरिया बड़ा कर सकते हो क्या? हाँ, ऋत्विक का जवाब आ रहा है, रिंग। यस, इस सिलेंडर की सरफेस पे पतली पतली सी रिंग अगर कंसिडर करोगे, रिंग स्ट्रिप स्ट्रिप जैसी कंसिडर करोगे, सर्कुलर स्ट्रिप कंसिडर करोगे, तो उन स्ट्रिप्स पर आपको दिखेगा कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड का एंगल नॉर्मल से कांस्टेंट है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी कांस्टेंट हो जाएगा ना। इसको करने के लिए मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ आपको, मैं डायग्राम यहाँ पे फिर से बना रहा हूँ। हमारा जो सिलेंडर का डायग्राम था, ये हमारा सिलेंडर था, तो मैं सजेस्ट कर रहा हूँ आपको कि इसके सेंटर पे जो चार्ज है ना, ये चार्ज से कुछ डिस्टेंस पे जाओ और यहाँ पे ऐसी स्ट्रिप काट लो सिलेंडर की सरफेस पे, इस आउट सरफेस पे ऐसी स्ट्रिप काट लो। ठीक है, ऐसे हमारे पास एक स्ट्रिप बना लो इसकी सरफेस पे। तो ये जो स्ट्रिप होगी ना, इस स्ट्रिप का फायदा ये हो जाएगा कि चार्ज की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है ओवर द कंप्लीट स्ट्रिप वो सेम ही हो जाएगा। ओवर द स्ट्रिप अगर मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ई बोलूँ इस लोकेशन पे, तो क्योंकि चार्ज से सिमेट्रिक है ये स्ट्रिप, तो हर जगह इस स्ट्रिप पर है ना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है। एम आई राइट? ये देखो, ये चार्ज है, चार्ज इस स्ट्रिप के बिल्कुल एक्सिस पे आ गया, तो इस स्ट्रिप पर हर तरफ से चार्ज से एंगल भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, तो एंगल भी सेम डिस्टेंस भी सेम, तो अपने काम पर आसान हो जाएगा। समझ रहे क्या बात? ये ऐसे स्ट्रिप जैसे अपन एरिया को छोटा सा एरिया ले लेते हैं। अब एरिया कितना लिखे इसका? तो एरिया लिखने के लिए आप सेंटर से मान लो एक्स डिस्टेंस पे जा रहे थे और ये डीएक्स विड्थ थी, है ना? सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे जा रहे थे, डीएक्स विड्थ थी। ठीक है, हमको सिलेंडर की रेडियस तो पता ही है कि सिलेंडर की रेडियस क्वेश्चन में हमको दे रखी है, जो हमको ये सिलेंडर बनाया हुआ है क्वेश्चन में, इसकी रेडियस तो आपको बता रखी है क्वेश्चन में, कैपिटल आर है। तो हमको वो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड पता चल गया। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज की वजह से होगा के क्यू अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस हो जाएगी एक्स, और ये पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारी आर थी, रेडियस ऑफ द सिलेंडर आर थी, तो आर और एक्स से ये पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो। ठीक है, मैग्नेट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, और जो भी लोकेशन है वहां पर एंगल एरिया का ये होगा, ये डी ए वेक्टर का एंगल होगा, ये एंगल अगर थीटा बोलोगे आप, तो यहाँ पर भी वर्टिकल से आपको थीटा एंगल दिखेगा इस लाइन का। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो एरिया वेक्टर का एंगल है देखो, थीटा दिख रहा है ना? तो छोटा सा फ्लक्स थ्रू दिस स्मॉल रिंग, रिंग या स्ट्रिप बोल सकते हैं, उसका छोटा सा फ्लक्स होगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। ई वेक्टर शुड बी मैग्नीट्यूड में ये लिखा है मैंने, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी ए। डी ए हो जाएगा इसका 2 पाई आर इंटू डी एक्स। अगर मैं इसको पूरा ओपन करके देखूं तो ये मुझे लंबी करके 2 पाई आर लेंथ से दिखेगी, और मुझे इसकी थिकनेस डी एक्स दिख रही है। मैं इसे एक जगह से कट करके सीधा कर दूं तो स्ट्रिप की लंबाई 2 पाई आर दिखेगी, तो 2 पाई आर इंटू डी एक्स ये इसका एरिया का मैग्नीट्यूड होना चाहिए। और देखो, एंगल इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का कॉस थीटा लगाना चाहिए मुझको यहाँ पे, तो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बनेगा। सही है क्या एक्सप्रेशन? अभी तक इतना समझ में आया? यहाँ तक किसी को कोई भी डाउट पूछ सकता है अभी तक? चलो, वेरी गुड, बच्चे मुझे बोल रहे समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। तो अब अपन आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा सा है ना इंटीग्रेशन कर पाए ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन कर पाए ऐसा कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये एंगल थीटा अपन यहाँ पे देखो, टेन थीटा अगर बनाए, दिस इज एक्स दिस इज आर, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारे पास? मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, टेन थीटा शुड बी एक्स बाय आर, तो एक्स शुड इक्वल टू आर टेन थीटा, एंड डीएक्स हो जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें, देखो इसको एक्स लिया था मैंने, ये एक्स था तो ये भी एक्स होगा, ये हमारा आर था, तो एक्स बाय आर इज टेन थीटा,
है ना, तो ये थोड़ा सब्स्टिट्यूशन कर लेते हैं। तो ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना तो ये एक्सप्रेशन सिंपल बन जाएगा, इट विल बी के क्यू नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स को लिखा आर टेन थीटा, तो आर स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इंटू वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा आर स्क्वायर सेक्स स्क्वायर थीटा टू बाय आर डी एक्स इज आर सेक्स स्क्वायर थीटा डी थीटा एंड देर इज अ कॉस थीटा। ठीक है, अब जो जो कैंसिल हो रहा है कर दो, तो आप अगर देखोगे तो सेक्स स्क्वायर थीटा कैंसिल हो रहा है, यहाँ आर स्क्वायर है न्यूमिनेटर में भी आर इंटू आर कैंसिल हो जाएगा इससे, तो देखो देखोगे तो सिर्फ कॉस थीटा डी थीटा बचेगा, टू पाई के क्यू कॉस थीटा डी थीटा, सिंपल सा टू पाई के क्यू कॉस थीटा डी थीटा, तो डी पाई वो आ गया टू पाई के क्यू कॉस थीटा डी थीटा। नाउ इसका इंटीग्रेशन कर दो, थीटा की लिमिट्स लगा दो, तो टोटल फ्लक्स मिल जाएगा, टोटल फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस वो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, टू पाई के क्यू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस थीटा डी थीटा, लिमिट थीटा की क्या होगी, तो मैंने थीटा क्या लिया है वो देखो, वर्टिकल से एंगल लिया है, मैं अगर एकदम यहाँ वाले कोने पे जा रहा हूँ तो मेरा वर्टिकल से एंगल देखो बीटा हो रहा था, क्वेश्चन में दिया ही था मैंने, और इधर इधर की तरफ जाएंगे तो माइनस बीटा, लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस बीटा, लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस बीटा टू प्लस बीटा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है प्लस साइन होता है, साइन में लिमिट डाल दो तो टू साइन बीटा आने वाला है, आंसर आने वाला है फ्लक्स का 2 पाई के क्यू इंटू टू साइन बीटा, देख लो अच्छे से क्या ये सब क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो अब इस एक्सप्रेशन जो आ रहा है ना उसको थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं, थोड़ा सा उससे मैं एडजस्ट करता हूँ उसको, मैं थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश करता हूँ। ये एंगल अल्फा मान लो एंगल अल्फा था, मतलब कि जो सिलेंडर का ये पीछे वाला जो बेस का एरिया था ना, ये वाला एरिया, ये यहाँ पर अल्फा एंगल बना रहा है, जैसा इस डायग्राम में एंगल था अल्फा, वैसे ये यहाँ अल्फा एंगल बना रहा है, मान लो तो बीटा और अल्फा में 90 का रिलेशन हो जाएगा ना, तो बीटा को ले सकता हूँ 90 माइनस अल्फा, तो एक्चुअली साइन बीटा है जो कॉस अल्फा लिखा हुआ है, साइन बीटा को कॉस अल्फा बोल सकता हूँ। ठीक है, तो फाइव विल बी नाउ के की वैल्यू डालो तो क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ये लिखा है टू पाई इंटू टू कॉस अल्फा, ये एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर ध्यान से देखिए इस एक्सप्रेशन को क्या है, तो मैंने क्या कर रखा है कि जो टोटल फ्लक्स होता है पॉइंट चार्ज का, उसमें से ये दोनों डिस्क से जो फ्लक्स जाएगा वो माइनस कर दिया, तो बचे कर्व सरफेस का फ्लक्स आ जाएगा। भाई जितना भी इससे फ्लक्स निकलेगा, जितना भी इससे फील्ड लाइन निकलेगी, वो मेरे पूरे सिलेंडर से जाएगी ना। अगर मैं सिलेंडर के बिल्कुल बीच में पॉइंट चार्ज रख दूं और सिलेंडर बिल्कुल पैक कर दूं, इधर से भी पैक, इधर से भी पैक, कर्व सरफेस भी पैक, तो जो भी फील्ड लाइन निकलेगी वो सब मेरे सिलेंडर से जाएगी। अब उस सारी फील्ड लाइन में से मैं अगर प्लेन सर्फेसिस की फील्ड लाइन माइनस कर दूं तो सिर्फ कर्व सर्फेस की बचेगी, तो एक्चुअली वही करा हुआ है। अगर आप इसे ध्यान से देखें तो मैंने क्या करा हुआ है, मैंने टोटल फ्लक्स होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें से डबल ऑफ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय फोर पाई इंटू टू पाई इंटू वन माइनस कॉस अल्फा, इसे माइनस करा, ये जो फ्लक्स था ना इसका डबल मैंने माइनस करा है, देखो इसको अरेंज करो ये मिलेगा आपको, है ना। इस चार्ज की वजह से इस सरफेस से जो फ्लक्स पास करता है, इस सरफेस जो फ्लक्स पास करेगा, इससे जो फ्लक्स पास करेगा वो माइनस कर गया, तो टोटल फ्लक्स चार्ज का होता है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, उसमें से दोनों प्लेन सरफेस का फ्लक्स माइनस करा तो आपको बचेगी कर्व सरफेस का फ्लक्स, मिलना चाहिए था, समझ आ रहा है। देखिए अच्छे से, यहां से एक तरह से ये एस्टैब्लिश मैं कर रहा हूं बार बार कि Q by epsilon naught is the total flux produced by a point charge. किसी point charge से जो total flux produce होता है वो Q by epsilon naught होता है। ये चीज यहाँ से establish हो गई। A point charge produces the flux of Q by epsilon naught. The total number of field lines जो से emit होती है वो Q by epsilon naught। ये अपन पहले भी लिख चुके हैं, है ना? ये मैंने शायद आपको electric field line के में लिखाया था कि एक point charge से total field line जो निकलती है वो Q by epsilon naught है। तो वही चीज यहाँ पे बार बार establish हो रही है। Is it clear? तो हमने एक क्वेश्चन और करा,
इस क्वेश्चन को मैंने इंटीग्रेशन से करवाया, पर इसको आप लोग बिना इंटीग्रेशन के भी कर सकते थे, यहाँ से लॉजिक से समझ में आ रहा है। ठीक है चलो, अब ये सब हटा रहा हूं मैं। अब अपन गॉस लॉ सीखने के लिए जो भी चाहिए वो सब पढ़ चुके हैं, तो गॉस लॉ पे आ जाते हैं। तो शुड आई रिमूव एवरीथिंग, ये सब नोट वोट हो गया ना प्रॉपरली, हटा दो सब। यस ओके वेरी गुड। हाँ राइट पार्ट अभी हटा दूंगा, इधर लेफ्ट पार्ट हटा देता हूँ यहाँ पे। ओके नाउ वी विल स्टार्ट गॉस लॉ। गॉस लॉ एक मैथमेटिकल लॉ था, ये कोई ऐसा लॉ नहीं था जिसको अपन ने फिजिक्स से डिराइव करा था, कोई एक्सपेरिमेंट से डिराइव करा था, मैथमेटिकल। गॉस ने मैथमेटिक्स से हमको लॉ दिया था। क्या होता है लॉ? तो पहले आप वर्ड में लिख लीजिए, देखिए इट इज अ मैथमेटिकल टूल, इट इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज टू फाइंड आउट, विच इज यूज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इट इज अ मैथमेटिकल टूल विच इज यूज टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाय क्लोज्ड सर्फेसेस, बाय क्लोज्ड सर्फेसेस, क्लोज्ड सर्फेसेस। अभी अगली लाइन लिखिए, नेक्स्ट पैरा में लिखिए, द टोटल फ्लक्स कमिंग आउट, द टोटल फ्लक्स, ऑफकोर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात चल रही है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोल सकते हो आप, द टोटल फ्लक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम अ क्लोज्ड सर्फेस, from a closed surface is equal to charge enclosed in that surface divided by epsilon naught is equal to net, लिख लो net शब्द लगा लो साथ में, is equal to net charge enclosed in that surface by epsilon naught. Net charge enclosed in that surface by epsilon naught. Net charge enclosed in that surface divided by epsilon naught. Closed surface का मतलब क्या? पहले तो ये समझो अच्छे से। एक closed surface ऐसी surface जिसके अंदर कुछ रखा हो तो बाहर नहीं आ सकता, जिसमें कोई opening नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सोचो, पहले सिलेंडर बनाया था, तो सिलेंडर में कर्व सरफेस के साथ साइड की प्लेन सरफेस लगा दो तो पूरी क्लोज हो जाती है। एक स्फीयर जिसमें कोई छेद नहीं है, कोई ओपनिंग नहीं है, वो क्लोज सरफेस हो गया। तो क्लोज सरफेस कोई भी ऐसी सरफेस जिसने कुछ वॉल्यूम इनक्लोज कर लिया है उसको क्लोज सर्फेस बोलते हैं। क्लोज सर्फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास करेगा, उसको लिखेंगे अपन इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए ओवर द क्लोज सर्फेस। तो क्लोज सरफेस पे इंटीग्रेशन हो रहा है ये समझाने के लिए यहाँ पे रिंग लगाई जाती है। ये रिंग लगाना इसका मतलब जो हमारा एरिया है वो ऐसा है कि पूरे सरफेस पूरे किसी वॉल्यूम को क्लोज कर रहा है। ठीक है, ये जो फ्लक्स है टोटल फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस वो होता है कि उसके अंदर कितना चार्ज है, जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है अंदर सबको जोड़ लो, सबको ऐड कर लो, एल्जेब्रिकली ऐड कर लो, पॉजिटिव को पॉजिटिव लेके नेगेटिव को नेगेटिव लेके, तो नेट चार्ज कितना है अंदर वो निकालो, नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, इतना फ्लक्स आ जाएगा। और बहुत इजी है समझना ऐसा क्यों होगा, बहुत इजी है। तो पहले तो ये लिख लो, फिर ऐसा क्यों होगा वो देखते हैं अपन। ऐसा क्यों होगा वो समझते हैं। चलो हो गया क्या नोट? ओके वेरी गुड। चलो अब देखो, कोई चार्ज पॉइंट चार्ज कितना टोटल फ्लक्स बनाता है, हमने अभी पढ़ा ही है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बनाता है। तो मान लो एग्जांपल के लिए कोई स्फीयर था मेरे पास, या कैसा भी क्लोज सरफेस दे सकते हो, जर्मनी की स्फीयर हो, उसके अंदर कोई चार्ज रखा हुआ है क्यू। अब जो भी इसने फील्ड लाइन इमिट करी होगी वो सारी की सारी मेरी सरफेस को क्रॉस करके बाहर आएगी,
जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से पास करेगी, जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन चार्ज से स्टार्ट होगी, वो मेरे सरफेस को पूरा क्रॉस करके बाहर जाएगी। तो अब इस सरफेस से जो फील्ड लाइन का नंबर दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए ना मुझे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज दिस इज द फ्लक्स प्रोड्यूस बाय पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज इतना फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, तो इतना ही फ्लक्स दिखना चाहिए मुझे। सही बात है ना? चलो ये क्लियर हुआ। अब दूसरी चीज, फ्लक्स निकालते कैसे? इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन करते ओवर द सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन फॉलो करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड सुपरपोजिशन फॉलो करती है। इसका मतलब कि अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस होते हैं, मान लो एक चार्ज और होता है यहाँ पे स्मॉल क्यू और होता, तो इन दोनों की वजह से किसी भी लोकेशन की इलेक्ट्रिक फील्ड और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर एडिशन होती। तो फ्लक्स को भी ऐसे कर सकता हूँ ना मैं, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो वेक्टर एडिशन है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डीए का ये इंटीग्रेशन भी तो दो का फ्लक्स का एडिशन आएगा। तब दो चार्जेस होंगे तो दोनों का नेट चार्ज का अपन एडिशन करके लिख देंगे, भाई इसने इतना फ्लक्स बनाया, इसने इतना फ्लक्स बनाया, टोटल इन दोनों को ऐड कर दिया हमने। अब मेरे पास अगर मल्टीपल चार्ज अंदर होते तो हर एक के फ्लक्स का जस्ट ऐड कर देता मैं, एडिशन कर देता, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे ही होता है। सही बात है क्या? ये चीज क्लियर? ये भी समझ में आ रहा है अपन को। अब अपन देखते कि बाहर के चार्ज का क्या होगा, वो अलग डायग्राम लेके एक्सप्लेन करते। मान लो कोई सरफेस है विच इज क्लोज्ड और उसके बाहर को चार्ज रखा है, बाहर को चार्ज रखा है, ये क्यू डैश रखा है, चलो बाहर। इससे जो भी फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, जो भी फील्ड लाइन प्रोड्यूस होगी, देखो कोई भी फील्ड लाइन अगर तुम इसके अंदर भेजोगे तो एक जगह से बाहर भी निकलेगी। कोई भी फील्ड लाइन आप ऐसे बना ही नहीं पाओगे जो अंदर जाए और बाहर नहीं निकले। थ्री डी में सोच के देखोगे, आपको कभी ऐसा दिख ही नहीं सकता कि कोई फील्ड लाइन अंदर एंटर कर रही है और बाहर नहीं निकल रही। और हमने क्या डिसाइड करा था कि हम एरिया वेक्टर हमेशा बाहर की तरफ लेंगे, तो इस लोकेशन का जो एरिया वेक्टर होगा वो आउटवर्ड होगा इधर, और इस लोकेशन का एरिया वेक्टर होगा इस तरफ। तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों तरफ अलग है। तो यहां अगर कोई फील्ड लाइन बाहर जा रही है तो पॉजिटिव फ्लक्स बना रही है, पर यहां अगर फील्ड लाइन अंदर आ रही है तो नेगेटिव फ्लक्स बना रही है। इधर नेगेटिव फ्लक्स बनाया, इधर उतना ही पॉजिटिव फ्लक्स बनाया, नेट में फ्लक्स जीरो बना दिया। जितनी फील्ड लाइन स्मॉल एंटर, क्यू विद साइन है। हाँ जो भी चार्ज है वो साइन के साथ रखना होता है। यहाँ पे नेट चार्ज जो बोला होता है इसमें, दिस क्यू इनक्लोजेस नेट चार्ज। अब नेट चार्ज का मतलब ही होता है एलजेब्रिक एडिशन या सम कर देना चार्ज को, तो इट इज ऑलवेज विद साइन, ऑलवेज विद साइन। बहुत छोटा लिखा है मैंने, आप लिख लेना खुद से, ऑलवेज विद साइन। तो अब बाहर कोई चार्ज रखा है तो जब फील्ड लाइन एंटर कर रही थी तो नेगेटिव फ्लक्स था, और जब बाहर जा रही तो पॉजिटिव फ्लक्स था, तो नेट में जीरो फ्लक्स होगा। बाहर का चार्ज क्लोज सरफेस से जीरो फ्लक्स बनाता है और अंदर रखे चार्ज का पूरा फ्लक्स पास होता है। तो इन दोनों चीजों को मैं ऐड कर दूं तो मैं बोल सकता हूँ कि क्लोज सरफेस से जो टोटल फ्लक्स होगा वो केवल अंदर के चार्ज पे प्रेजेंट, जो अंदर के चार्ज पे प्रेजेंट उन पर डिपेंड करेगा, तो क्यू इनक्लोज ही पर डिपेंड करेगा। डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो तो हमें टोटल फ्लक्स मिलना चाहिए। बोलो, अरे समझ में ये है ना? यस, वेरी गुड। चलो तो अब गॉस लॉ से रिलेटेड अपन कुछ, ये अपन ने लिख लिया, अपन ने समझ लिया कि क्यू होता है, अपन इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट लिखते हैं अपन। ठीक है, लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। तो पहला पॉइंट गॉस लॉ से हम थ्योरम ये है, हमारी गॉस लॉ ये है कि भाई अंदर का जो चार्ज इंक्लोज है वो देखो डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट कर दो तो टोटल फ्लक्स आएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के चार्ज का फ्लक्स नहीं मिल रहा हमको, बाहर के चार्ज का फ्लक्स नहीं मिलता हमें गॉस लॉ से, बाहर का भी मिल रहा है और वो जीरो है। ठीक है, गॉस लॉ प्रोवाइड्स फ्लक्स बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट विद इन एंड आउटसाइड द गॉसियन सरफेस। ये जो क्लोज सरफेस होती है इसको अपन कई बार गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉस लॉ गिव्स, लिख लो आप ये पॉइंट, गॉस लॉ गिव्स फ्लक्स बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस बाय द सरफेस।
और फ्रॉम द सरफेस. गॉस लॉ गिव्स फ्लक्स बाय ऑल द चार्जेस प्रेजेंट इनसाइड एंड आउटसाइड द सरफेस. जो भी चार्ज प्रेजेंट है सबका एड करके फ्लक्स कितना है वो देता है गॉस लॉ. अब बाय चांस बाहर के फ्लक्स जीरो बना रहे हैं और केवल अंदर की फ्लक्स बनाते हैं, तो इसलिए ऐसा लग रहा है केवल अंदर के चार्ज पे फ्लक्स डिपेंड है. इसका मतलब ये नहीं है कि बाहर के चार्ज का फ्लक्स नहीं लिख रहे अपन, वो लिख रहे हैं पर वो जीरो है. लॉजिक समझ में आया बात का? गॉस लॉ से हम बाहर के चार्जेस का फ्लक्स भी लिख रहे हैं पर वो जीरो है. इज दिस क्लियर? यस, ओके, वेरी गुड, है ना. अब इसका मतलब ये भी हुआ, इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर आपको फ्लक्स कैलकुलेशन करना है यहाँ पर तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी सभी चार्ज के लेना चाहिए. ऑफकोर्स सारे जितने चार्जेस प्रेजेंट थे अंदर बाहर सब तरह के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड लेना चाहिए, है ना. तो ये लिखो नेक्स्ट पॉइंट. फॉर फ्लक्स कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट. फॉर फ्लक्स कैलकुलेशन इलेक्ट्रिक फील्ड इज ड्यू टू ऑल द चार्जेस प्रेजेंट. जितने भी चार्ज प्रेजेंट है चाहे अंदर हो चाहे बाहर हो, मैंने ये नहीं लिखा है कि प्रेजेंट कहाँ, बस प्रेजेंट लिख दिया. इसका मतलब चाहे कहीं भी प्रेजेंट हो तो जो भी चार्ज प्रेजेंट है सबकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अपन को यहाँ पे लिखना है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा नहीं करेंगे कि सिर्फ अंदर के चार्ज के लिख देंगे, बाहर के चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिखेंगे यहाँ. इज दिस क्लियर? चलो बच्चों को क्लियर हो रहा है, वेरी गुड, है ना. आगे पढ़ते नेक्स्ट लाइन लिखिए. इफ फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज जीरो, इफ फ्लक्स थ्रू अ गॉसियन सरफेस इज जीरो, क्योंकि गॉसियन सरफेस से फ्लक्स जीरो है, इट मींस नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो. नेट चार्ज इनसाइड इज जीरो, उसके अंदर टोटल चार्ज जीरो है. इट डजंट मीन कि चार्ज है या नहीं है अंदर. जो जो भी चार्जेस प्रेजेंट है उनका सम जीरो है. जितने भी चार्जेस प्रेजेंट है उनका सम जीरो है. हम ये नहीं बोल सकते कि चार्ज ही अंदर जीरो प्रेजेंट है, भाई चार्ज का सम जीरो है. जितने भी चार्ज है उन सबका एडिशन करके जीरो मिलेगा, ठीक है. इफ नेट फ्लक्स बाय गॉसियन सरफेस इज जीरो, देन द नेट चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस इज जीरो. Then the net charge enclosed in the surface is zero. Net charge enclosed in the surface is zero. हाँ, और outside का कुछ भी हो सकता है. किसी गॉसियन सरफेस से बाहर जो चार्जेस होते हैं वो तो नेट फ्लक्स जीरो ही बनाते हैं. तो बाहर तो कोई भी चार्ज प्रेजेंट हो सकता है, उसका कोई फ्लक्स होगा नहीं किसी क्लोज सरफेस से, ठीक है. यस, बिल्कुल सही. ठीक है, चलो. तो आई होप ये सब क्लियर है. फिर हमारा जो हमने कन्वेंशन लिया है कि जो एरिया वेक्टर होता है बाहर की तरफ होता है, हमने हमेशा कन्वेंशन लिया है कि क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर बाहर की तरफ लेते हैं. दैट्स व्हाई अगर किसी गॉसियन सरफेस से नेट फ्लक्स पॉजिटिव आ रहा है तो अंदर चार्ज इनक्लोज विल बी पॉजिटिव, और नेट फ्लक्स नेगेटिव आ रहा है तो चार्ज इनक्लोज विल बी नेगेटिव. तो ये भी लिख सकते हैं. पर लिखो अगला पॉइंट. इफ द नेट फ्लक्स बाय अ गॉसियन सरफेस इज पॉजिटिव, if the net flux by a Gaussian surface is positive, if the net flux by a Gaussian surface is positive, it means the total charge enclosed is positive. It means the total charge enclosed is positive. अंदर सब charges का sum करके positive charge मिलेगा, है ना. अगर positive और positive flux का मतलब बाहर आने वाली field line, ये बाहर field line आ रही है तो बोलते positive flux. चलो, इज दिस क्लियर? क्या ये समझ में आया सबको? ओके, वेरी गुड. अब हमने अभी तक गॉस लॉ पढ़ लिया है. अब गॉस लॉ के कई सारे एप्लीकेशंस होते हैं, तो उन एप्लीकेशंस पे आते हैं अपन, है ना. एप्लीकेशंस ऑफ गॉस लॉ. एक छोटा पॉइंट रह गया अभी, मेरे को जस्ट याद आया, एक छोटा पॉइंट रह गया. गॉस लॉ अपन ने जो पढ़ा है वो इसलिए सही है, इसलिए ऐसा हो पा रहा है बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड कूलॉम्ब्स लॉ वाली है,
या चार्जेस के बीच में कूलॉम्बिक फोर्स है, चार्जेस के बीच में जो फोर्स है वो के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर होता है, उससे इलेक्ट्रिफाई की के क्यू बाय आर स्क्वायर बेसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसलिए गॉस लॉ अप्लीकेबल है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसा बोल देते हैं कि भाई दो चार्ज के बीच का जो फोर्स है वो एग्जाम्पल के लिए मान लो के क्यू वन क्यू टू बाय आर क्यूब है, अब पूछते हैं कि गॉस लॉ अप्लीकेबल होगा क्या, तो आंसर इज नो। अगर कूलॉम्बिक वाला इलेक्ट्रिक फोर्स है तो अप्लीकेबल है गॉस लॉ, तुमने कुछ अजीब ही कर दिया, कुछ नया तरह का फोर्स कर दिया, कुछ हाइपोथेटिकल फोर्स कर दिया, तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा। सिंपल सी बात, लिमिट पूछ रहा है ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए क्योंकि अपन गॉस लॉ प्रूव ही नहीं कर पाएंगे। मैं अगर पॉइंट चार्ज से फ्लक्स निकालूंगा ना तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट नहीं निकलेगा जब अपन किसी और तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे, ठीक है। अब अगर मैं, चलो ऐसा क्यों है एग्जाम्पल के लिए बताऊं मैं, तो कोई पॉइंट चार्ज अगर मेरे एक स्फीयर के सेंटर पर है तो स्फीयर के हर पॉइंट से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होगी वो होगी के क्यू बाय आर स्क्वायर, अगर स्फीयर की रेडियस आर है। यहाँ छोटा सा एरिया वेक्टर लूंगा तो वो भी बाहर की तरफ आएगा डी ए वेक्टर, तो यहाँ जो छोटा सा फ्लक्स लिखूंगा इस छोटे से जगह से वो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, एरिया का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच में एंगल कॉस जीरो। इसे इंटीग्रेशन करोगे तो पूरा फ्लक्स मिलेगा पूरे स्फीयर से, और फ्लक्स निकालना चाहोगे तो देखो के क्यू बाय आर स्क्वायर कॉमन, डीए का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन डीए बचेगा सर, इंटीग्रेशन डीए पूरे स्फीयर के लिए लिख देना 4 पाई आर स्क्वायर, तो देखो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट आ रहा है सॉल्व करके, ठीक है। अब अगर तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड बदल दी, मान लो तुमने आर क्यूब कर दिया होता तो यहाँ आर क्यूब हो जाता, यहाँ आर क्यूब हो जाता, तो यहाँ पे आर क्यूब होने से नीचे आर बच जाता, समझ में आ रहा है। तुम्हारे सामने एग्जाम्पल है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जाम्पल के लिए मान लो के क्यूब आर क्यूब होती तो नीचे आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, यहाँ एक आर बच गया। इसका मतलब मेरे गॉसियन सरफेस, मेरे स्फीयर से जो फ्लक्स पास कर रहा है उसकी रेडियस पे भी डिपेंडेंट है, तो ये कुछ अजीब चीज हो जाती है, ठीक है। अब एक डाउट आया, तो ऐसे में गॉस लॉ क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट बाय आर लिख कर नहीं कर सकते क्या? बेटा ये अभी इसलिए आ गया क्योंकि तुमको मैंने स्फीयर लेके बताया। अब आप सोचो स्फीयर के बदले कुछ और होता तो क्या करते, फंस जाते फिर, है ना, तो ऐसा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलो, और मेरे पास एक डाउट आया सर, अगर गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रिजिड बॉडी हो तो भी गॉस लॉ वैलिड है क्या? हाँ, चार्ज कैसा भी हो, चार्ज का शेप या उसका साइज, इस पे डिपेंडेंसी थोड़ी है गॉस लॉ में, बस टोटल चार्ज कितना है भाई, कितना टोटल चार्ज रखा है अंदर वो देखना है अपन को, ठीक है। चलो, एनी रिजिड बॉडी को भी छोटे छोटे पॉइंट चार्ज से मिलके बना सकते हैं। और मेरे पास एक डाउट आया सर, सर डज गॉस लॉ इज ऑल्सो वैलिड फॉर ग्रेविटेशन? देखो चीजें सिमेट्रिक है ग्रेविटेशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि गॉस लॉ ग्रेविटेशन के लिए भी वैलिड है, सोच सकते हो, ठीक है। बट एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होगा ग्रेविटेशन फील्ड लाइन का, अपन ने कोई सा डेफिनेशन पढ़ा नहीं है, अपने ऐसा ग्रेविटी में पढ़ा नहीं होगा ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन, है ना, तो कोई ऐसा खास इसका मतलब मीनिंग नहीं, ठीक है, मतलब सिमिलैरिटी है पर ठीक है। चलो, आई होप कि अब ये सब क्लियर है सबको। मैंने जो एक पॉइंट और बोला आपको वो भी आपने नोट कर लिया होगा कि गॉस लॉ अप्लीकेबल है तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड अपना कूलॉम्स लॉ वाली है, के क्यू बाय आर स्क्वायर है, कोई हाइपोथेटिकल कर दिया तुमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो गॉस लॉ वैलिड नहीं होगा, ठीक। ओके, अब अपन एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ पे आ जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, सबसे पहली चीज तो ये दिख रहा है फ्लक्स निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान सी चीज, फ्लक्स निकाल सकते हैं, टू पॉइंट फ्लक्स। अब मान लो किसी ने फ्लक्स दे दिया तो चार्ज ढूंढ सकते हो, चार्ज फाइंड कर सकते हो, टू पॉइंट चार्ज इंक्लोज। और तीसरी चीज, मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटीग्रेशन अपन कर पा रहे हैं विदाउट नोइंग इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड की कुछ ऐसी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को बिना इंटीग्रेशन के अपन बाहर ले सकते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड को मैं शॉर्ट में ईएफ लिख रहा हूँ। तो ये तीन एप्लीकेशन है गॉस लॉ के, एक एक करके तीनों को देखेंगे अपन, है ना। अब तीनों पे जब समझेंगे तब बात करेंगे, अभी पहले स्टार्ट करते हैं टू पॉइंट फ्लक्स, गॉस लॉ से फ्लक्स फाइंड करना। पहला एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं गॉस लॉ से फ्लक्स फाइंड करना।
फ्लक्स बाय गॉस लॉ। चलो तो पहले एप्लीकेशन पे बेस्ड सिंपल सा एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन आपके लिए। मेरे पास एक स्फीयर दिस इज ऑफ कोर्स क्लोज बॉडी, और उसके अंदर एक रखा है डायपोल, इलेक्ट्रिक डायपोल, और यहाँ पे रखा है चार्ज क्यू। बताओ इस स्फीयर से कितना फ्लक्स पास कर रहा है? फ्लक्स टू स्फीयर इस क्वेश्चन मार्क, बताओ जल्दी से। वेरी गुड निखिल, ऑन दिस वीक अदिति गुड, अमित वेरी गुड, नमित वेरी गुड, कशिश वेरी गुड। चलो सभी बच्चे सही जवाब दे रहे हैं अभी तक। तो एक डायपोल कंसिस्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइंस टू चार्जेस। इक्वल मैग्नीट्यूड के और अपोजिट साइन के दो चार्जेस होते हैं, प्लस और माइनस। एडिशन करेगा तो जीरो होगा, जीरो होगा तो चार्ज इनक्लोज जीरो, चार्ज इनक्लोज जीरो तो फ्लक्स जीरो। तो आंसर शुड बी जीरो एज चार्ज इनक्लोज इज जीरो। अफकोर्स जीरो आंसर होना चाहिए इसका। वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन। मेरे पास एक स्फीयर है, अगेन स्फीयर है, जिसकी रेडियस आपको मैंने बता दी है आर है, रेडियस आर है, और मेरे पास एक इनफाइनाइट लंबी, बहुत ही लंबी चार्ज रॉड थी, जिसमें लैम्डा चार्ज डेंसिटी है। दिस इज रॉड, चार्ज रॉड, ठीक है। अब बताओ स्फीयर रॉड को मैं अगर एडजस्ट करूँ स्फीयर के अंदर करने की कोशिश करूँ, या स्फीयर से पास कराने की कोशिश करूँ, तो स्फीयर से मैक्सिमम फ्लक्स क्या पॉसिबल है? मैक्सिमम पॉसिबल फ्लक्स बाय स्फीयर, फ्लक्स मैक्स क्या पॉसिबल बाय स्फीयर? पर रॉड को थोड़ा मूव कर रहे हैं, तो मैं रॉड को स्फीयर से पास कराने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बताओ स्फीयर से कितना मैक्सिमम फ्लक्स जा सकता है? वेरी गुड ऋत्विक, बाकी बच्चे देखिए क्या सोचो, मैक्सिमम कितना फ्लक्स जा सकता है स्फीयर से? स्फीयर से फ्लक्स होगा चार्ज इंक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। तो चार्ज सबसे ज्यादा कब पास होगा? जब रॉड को तुम ऐसे पास कराओ कि डायमेट्रिकल पास हो रही हो, रॉड डायमीटर के अलोंग रख दो, रॉड को अगर डायमीटर के अलोंग रख दो, कैसे भी रख दो डायमीटर के अलोंग, तो रॉड की लेंथ का 2R हिस्सा अंदर आ जाएगा, 2R लेंथ अंदर आ जाएगी। 2R लेंथ अंदर है तो अंदर जो चार्ज इंक्लोज हो जाएगा इस सिचुएशन में, वो हो जाएगा 2R इंटू लेमडा, और इसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, फ्लक्स आ जाएगा। तो ये आंसर होना चाहिए 2R लैम्डा बाय एप्सिलॉन नॉट, समझे? रॉड को स्फीयर से पास करने की कोशिश करेंगे तो मैक्सिमम लेंथ कितनी आ सकती है रॉड की स्फीयर के अंदर? 2R, जब वो डायमीटर के अलोंग हो जाए तो इतना चार्ज मैक्सिमम आ सकता है, मैक्सिमम चार्ज बाय एप्सिलॉन नॉट, मैक्सिमम प्लस होगा, ठीक है। बोलो सबको क्लियर? ओके वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक कंडक्टर है, दिस इज अ कंडक्टर, कंडक्टर के अंदर यू नीड टू इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, इमेजिन अ गॉसियन सरफेस, दिस इज अ सॉलिड कंडक्टर, सॉलिड है, ठीक है, अंदर पूरा सॉलिड है, ठीक है। यू नीड टू इमेजिन अ गॉसियन सरफेस इन साइड द कंडक्टर, दिस इज अ गॉसियन सरफेस, बताइए इससे फ्लक्स कितना पास करेगा? कंडक्टर को कुछ चार्ज दे दिया है मैंने क्यू, कंडक्टर को चार्ज दिया है क्यू, तो बताओ गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा? द गॉसियन सरफेस इज वेल विद इन कंडक्टर, कंडक्टर को चार्ज दिया गया है क्यू, और आपको बताना है वो गॉसियन सरफेस पे फ्लक्स कितना पास करेगा।
चलो भाई, जवाब आ गए सबके, सबने सही दिया अभी तक तो, बहुत बढ़िया। कोई समझाएगा मुझे कि ये आंसर क्यों दे रहे हो आप? सर, एनीवन बिकॉज एनीवन? चार्ज वो सरफेस पे आ जाएगा उसकी, कंडक्टर वेरी की। गुड। कंडक्टर को जब भी चार्ज सप्लाई करो वो उसकी सरफेस पे आ जाता है, कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता नहीं है, तो सारा चार्ज कंडक्टर को दिया हुआ उसकी सरफेस पे रहेगा, और सरफेस पे अगर चार्ज है, सारा चार्ज सरफेस पे है, तो अंदर तो कोई चार्ज है ही, तो प्लस क्या होना चाहिए? चार्ज इनटू जीरो होगा, तो प्लस शुड बी जीरो। सिंपल रीजन, बिकॉज ऑल द चार्ज गिवन टू अ कंडक्टर रिसाइड ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ कंडक्टर, नो चार्ज कैन रिसाइड इन साइड द कंडक्टर, हेंस द चार्ज इनक्लोज बाय दिस गॉसियन सर्फेस शुड बी जीरो, सो प्लस इज जीरो। क्लियर? तो आई होप कि सबको क्लियर है ये। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे पास एक क्यूब है, मेरे पास एक क्यूब है, इस क्यूब के सेंटर पॉइंट, एग्जैक्टली सेंटर पे मैंने चार्ज प्लेस कराया, इस क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे चार्ज प्लेस कराया, तो बताओ इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना पास करा है? जल्दी से जवाब दो, टोटल फ्लक्स कितना जाएगा इससे? ये तो आसान पार्ट है, टोटल फ्लक्स कितना जाएगा? वेरी गुड ऋत्विक, एकदम सेंटर पे चार्ज रखा है ना, तो क्यूब से टोटल फ्लक्स शुड बी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सही है ना। अब वो तो बता दिया आपने, मुझे बताओ कि इसके एक जो फेस है, जिसे बॉटम फेस, इससे कितना फ्लक्स जाएगा? फ्लक्स थ्रू वन फेस, ये कितना होगा? वेरी गुड निशेत, ऋत्विक, सबके सही आ रहे हैं अभी तक, बहुत बढ़िया। सौरभ गलत भाई, क्योंकि छह की छह फेस सिमेट्रिक होंगे ना, सेंटर से जो फ्लक्स, जो चार्ज रखा है वो तो हर फेस से एक जैसा दिखेगा, जो छह फेस होते हैं क्यूब के, दो ऐसे एक ऊपर नीचे ऐसे राइट साइड, तो सेंटर पे जो चार्ज हो सबके लिए एक जैसा, तो सबसे इक्वल फ्लक्स जाना चाहिए। टोटल फ्लक्स आप बता रहे थे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और हर एक से इक्वल जा रहा है, तो एक से कितना जाएगा? क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, दिस शुड बी इक्वल टू फ्लक्स जो टोटल पास कर रहा है वो छह फेस से पास कर रहा है, तो बाय सिक्स कर दो, तो क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए इसका आंसर। आ रही की बात समझ में? चलो वेरी गुड, है ना। अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आई होप कि आपने नोट कर लिया है, तो मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ। नाउ माई चार्ज इज प्रेजेंट हियर एट द सेंटर ऑफ वन ऑफ द फेस, एक फेस के सेंटर पे चार्ज है, मेरा जो चार्ज है ना वो एक फेस के सेंटर पर है, चार्ज इज प्रेजेंट लाइक दिस, ठीक है। अब इस क्यूब से टोटल फ्लक्स कितना है बताओ? टोटल फ्लक्स थ्रू क्यूब बताओ। वेरी गुड निशेत, बहुत बढ़िया। निमित गलत है, ऋत्विक सही है, निश्चित सही है, थोड़ा और सोचो निमित अच्छे से। नहीं, अमित गलत है। आप ये सोचो कि हमारे क्यूब के अंदर पूरा चार्ज आ रहा है क्या? पहले तो ये सोचो, चार्ज को एक फेस के ठीक सेंटर पर रखा है, तो क्या हमारे क्यूब के एग्जैक्टली अंदर है चार्ज? एग्जैक्टली अंदर तो नहीं दिख रहा हमको, तो इसके लिए अब एक काम करेंगे, इसको अंदर लाने के लिए एक इसके ऊपर क्यूब और रख दो। अगर एक क्यूब के ऊपर भी एक क्यूब रख दोगे तुम, तो दोनों क्यूब के एग्जैक्टली सेंटर पे चार्ज हो जाएगा ना, सही बात है क्या भाई? दो आइडेंटिकल क्यूब लगा दिए मैंने एक के साथ एक, और एकदम उनके बीच में चार्ज है, तो दोनों से इक्वल फ्लक्स होना चाहिए, है ना। और टोटल फ्लक्स दोनों से मिलकर कितना होगा? फ्लक्स बाय टू क्यूब, प्लस बाय टू क्यूब, इट शुड बी क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट, तो एक क्यूब का फ्लक्स कितना होना चाहिए? प्लस बाय वन क्यूब, इट शुड बी क्यूब बाय टू एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्योंकि सिमेट्री की सिचुएशन थी, दोनों क्यूब के ही एक फेस के सेंटर पे चार्ज बोल सकते हो आप, ऊपर वाले क्यूब के भी फेस के सेंटर पे चार्ज है, नीचे के भी फेस के सेंटर पे चार्ज है, तो दोनों से सेम फ्लक्स होना चाहिए, और दोनों से मिलकर जो टोटल फ्लक्स है वो क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट है, तो एक क्यूब से फ्लक्स होना चाहिए था क्यूब बाय टू एप्सिलॉन नॉट। आ रहा है समझ में?
बताइए क्या समझ में आ रहा है? यस, ओके, वेरी गुड, है ना। चलो अब क्वेश्चन फिर बदल रहा हूं मैं, नया क्वेश्चन। अब आपके पास ये देखो, ये क्यूब है और उसके ठीक एक कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है, यहाँ एकदम कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट है क्यूब के, ठीक है। तो आप बता रहे हैं कि इस क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा, इस क्यूब के फेस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, नेट फ्लक्स बाय दिस क्यूब। वेरी गुड अधिक, वेरी गुड, सही बच्चे सही जवाब दे रहे हैं अधिकतर बच्चे। निमित थोड़ा और सोचो, समझ थोड़ा और सोचो। दक्ष वेरी गुड, सतीश नहीं बेटा, नहीं जीरो आंसर नहीं है। ये क्वेश्चन से हिंट लो यार, इसमें क्या करा था मैंने, मैंने उस चार्ज को एकदम सेंटर पर लाने की कोशिश करी है ना, और दो क्यूब लगा लिया उसके लिए। तो यहाँ भी कोशिश करो कि और क्यूब लगा लो, एक्स्ट्रा क्यूब लगा लो और चार्ज एकदम सेंटर पे लेके आ जाओ, ऐसा कोशिश करो यहाँ पे, ठीक है। यस समर्थ, तो आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो, इसमें ना तुम चार क्यूब और रख दो इसी प्लेन में, चार क्यूब अगर और रख दो इसी प्लेन में, लाइक दिस, ठीक है। नीचे तीन क्यूब और रख दिए तुमने इसी प्लेन में, तो टोटल चार क्यूब हो गए। इन चार क्यूब के सबके एक कॉर्नर पे चार्ज दे, और ऐसे चार क्यूब उठा के ऊपर डाल दो, ऐसे चार क्यूब ऊपर भी कर दो, और दिख रहा है आपको कि ये सारे क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है। तो समझ में आ रहा है कि जितने मैंने क्यूब बनाए सबके एक कॉर्नर पे चार्ज है ना, इस सेंटर पॉइंट इज कॉर्नर ऑफ एवरी क्यूब, तो हर हर क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है, तो हर क्यूब से एग्जैक्ट सेम फ्लक्स होगा। अब कितने क्यूब है टोटल, ये आठ, तो टोटल फ्लक्स बाय एट क्यूब, क्योंकि चार्ज एग्जैक्टली सेंटर पर है, तो सबसे इक्वल इक्वल फ्लक्स होगा, और टोटल कितना होगा, होना चाहिए टोटल फ्लक्स बाय द चार्ज विच इज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू चार्ज से टोटल फ्लक्स जो निकलेगा वो सबसे पास हो रहा है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, बस अब उससे कितना आएगा प्लस, तो लिख सकते हो तुम, इट शुड बी क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, आठ है ना, सॉरी क्यू बाय एट एप्सिलॉन नॉट। सारी बात समझ में, मुझे लगता है सबको क्लियर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये जो बड़ा सा क्यूब बन गया, इसके हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, इसके हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, एक फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, छह फेस होते हैं इस क्यूब के अंदर, हर फेस से कितना फ्लक्स पास करेगा बड़े क्यूब के, क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, वेरी गुड। हर फेस से, मैं बड़े क्यूब की बात कर रहा हूं बच्चों, बड़ा क्यूब का फेस मतलब जैसे ऊपर वाला फेस ये हो जाएगा, दिस इज द टॉप फेस ऑफ द बिग क्यूब, ठीक है, विच कंसिस्ट ऑफ फोर फेसेस ऑफ द स्मॉलर क्यूब, छोटे छोटे क्यूब के चार फेस मिलकर बड़े क्यूब का एक फेस बना रहे। इस एक बड़े क्यूब के फेस से टोटल फ्लक्स कितना होना चाहिए, टोटल फ्लक्स बाय बिग क्यूब वॉज क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और छह फेसेस होते तो बाय वन फेस इस टोटल से अपन को जो फ्लक्स दिखना चाहिए था, बाय फ्लक्स बाय ईच फेस ऑफ बिग क्यूब, वो होना चाहिए था क्यू बाय सिक्स एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। बट ईच फेस ऑफ बिग क्यूब इज कंसिस्टिंग ऑफ फोर फेसेस ऑफ द स्मॉलर क्यूब, छोटे क्यूब के चार फेसेस है यहाँ, तो इन चारों फेस से फ्लक्स क्योंकि सिमेट्री है तो इक्वल इक्वल होगा, दैट शुड बी वन फोर्थ ऑफ दिस, है ना। तो कोई आपसे केवल इस वाले सरफेस से फ्लक्स पूछे, इससे फ्लक्स पूछेगा, फ्लक्स बाय वन फेस ऑफ स्मॉलर क्यूब, वो होना चाहिए यहां चारों से मिलकर जो फ्लक्स पास कर रहा था, बाय फोर कर दो, सही बात है क्या, देखो अच्छे से ये
चलो बच्चों को समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, ठीक है, ओके। तो अभी हमने समझा कि मेरे पास एक क्यूब है, जो क्वेश्चन हमने करा अभी उसमें हमने समझा कि मेरे पास एक क्यूब है जिसके कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट था। मेरे पास एक क्यूब था जिसके कॉर्नर पे चार्ज प्रेजेंट था, तो इस क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज था यहाँ, इससे जो टोटल फ्लक्स जा रहा है वो ये पढ़ा आपने क्यू बाय एक्सेप्शन हुआ। और अभी तुमने बताया चार्ज से एकदम परपेंडिकुलर जाके जो सरफेस है, बेस वाली जो सरफेस है, इससे फ्लक्स कितना है तुमने बताया मुझे अभी, क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट। सिमेट्री से ये फ्रंट वाली सरफेस, ये भी तो वैसी ही है ना जैसे नीचे वाली थी, इससे भी होना चाहिए क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना। सिमेट्री से इधर पीछे वाली सरफेस से भी होना चाहिए क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और जो तीन सर्फेसेस जिस पे चार्ज लगा हुआ है, ये और इसके पीछे वाले, इनसे होना चाहिए जीरो, इनसे होना चाहिए जीरो, बिकॉज इन सर्फेस के एग्जैक्टली कॉर्नर पे चार्ज है। तो इस चार्ज से जो फील्ड लाइन होगी वो सर्फेस के पैरेलल होगी, यहाँ इस चार्ज से जो फील्ड लाइन होगी वहां ऐसे सर्फेस के पैरेलल है और सर्फेस का एरिया वेक्टर उसके परपेंडिकुलर, तो इस सर्फेस का फ्लक्स जीरो। सही बात है, क्यूब के एक कॉर्नर पे चार्ज है, जिस कॉर्नर पे चार्ज है वहां पे जो तीन सर्फेसेस है उनसे तीनों से फ्लक्स जीरो, क्योंकि वो तीनों के बिल्कुल पैरेलल फील्ड लाइन होगी। और बची हुई तीन से फ्लक्स क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट है, तभी तो देखो इन तीनों का एडिशन करके देखोगे तो क्यू बाय 8 आएगा, इन तीनों का एडिशन करके टोटल फ्लक्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। समझ में ये बात, बच्चों के बहुत सारे यस लिखे हुए हैं, तो पता नहीं शायद पहले के कि अभी के, अभी भी एक आ गया, वेरी गुड। तो आई होप कि ये क्लियर हो रहा है सबको। तो इस क्वेश्चन में अपन ने सब चीज कर लिया यार, इस वाले क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज है तो उसके हर फेस से तुम्हें फ्लक्स पता है कितना होगा, इसके बॉटम फेस से कितना है, इसके इधर साइड से कितना है, उस साइड से कितना है, चार्ज के एडजस्टेंट जो तीन फेस है उनसे जीरो है, बाकी तीन से क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट है, ये सब तुम्हें पता चल गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो फिर क्यूब वाला क्वेश्चन अच्छे से आया हमको, हाँ बहुत मजा आता है ये करते रहने में, डायग्राम बनाते रहने में, यस ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अपन, हमें थोड़ा सा इसी क्वेश्चन को ट्विस्ट देके पूछना चाह रहा हूं, इसी को ट्विस्ट देने वाला हूं, है ना, यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा ट्विस्ट दूंगा। देखो फिर से वही क्यूब, क्यूब है हमारा, मैंने क्या करा, एक कॉर्नर था ना ये, इस कॉर्नर के थोड़ा अंदर चार्ज कर दिया, क्यूब के अंदर कर दिया चार्ज को। मैं अगर इस कॉर्नर से एक बॉडी डायगोनल बनाऊंगा क्यूब का, तो वो आपको ऐसा दिखेगा, बॉडी डायगोनल, ठीक है, एक बॉडी डायगोनल आपको दिखा देता हूं, मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं। सो ये बॉडी डायगोनल है क्यूब का, लाइक दिस, है ना। इस बॉडी डायगोनल पे चार्ज को प्रेजेंट करा है मैंने, बट दिस इज वेरी क्लोज टू कॉर्नर। तो आपने कमरे में इमेजिन कर सकते हो कि आपके पास एक क्यूबॉइड जैसा कमरा है घर में, मान लो आपका बिल्कुल क्यूबॉइड क्यूब जैसा कमरा है, एक क्यूब है आपका जो रूम जिसमें बैठे हो, और इस रूम के अंदर तुम्हें दिख रहा है कि चार्ज है, पर वो चार्ज एकदम कोने के बहुत पास में है। चार्ज इज वेरी क्लोज टू वन कॉर्नर, जैसे मेरा जो ये रूम है जिसमें ये बॉल है, तो इस बॉल के साइड में यहाँ पर एक कॉर्नर है, उस कॉर्नर में मुझे दिख रहा है चार्ज है, ठीक है, वो कमरे के अंदर चार्ज है, और इस कमरे के सारे फेसेस से अब हर एक से कितना कितना फ्लक्स है वो आपको बताना है, हर एक फेस से फ्लक्स बताना है, ठीक है। मैं नाम दे देता हूँ फेसेस को ताकि आपकी आसान रहेगा, ए बी सी डी, फिर ये ई एफ जी एच, द चार्ज इज वेरी क्लोज टू कॉर्नर बट इट इज इनसाइड द क्यूब। Now, what is the flux by each phase? हर एक फेस से कितना कितना flux है बताओ, क्वेश्चन नोट कर लो अच्छे से, लिख लो अच्छे से कि यहाँ पे चार्ज इज इन साइड द क्यूब बट वेरी क्लोज टू कॉर्नर।
अब बताओ इसके हर फेस से कितना कितना फ्लक्स है, इंडिविजुअल फेसेस से बताना है। करो कोई इंटीग्रेशन नहीं, कुछ नहीं, बस सिंपल लॉजिक, सिर्फ लॉजिक से हो जाएगा। अभी तक जो पढ़ा है वो समझा है अगर, तो आराम से हो जाएगा। अनन्या ये थोड़ा गलत लग रहा है मुझे, किसी भी फेस से ये वाला आंसर नहीं आएगा। और आप लोग जब आंसर दो तो मेंशन करो किस फेस की बात कर रहे हो, जैसे बॉटम फेस से जब कल बताओगे तो बोलोगे एबीसीडी फेस से इतना फ्लक्स है, टॉप फेस से बताओगे तो बोलोगे ई एफ जी एस से इतना फ्लक्स है। ऋत्विक गलत है, समर्थ गलत है, आप लोगों की हेल्प कर देता हूं थोड़ी सी, मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूं। मैंने ये डायग्राम नहीं हटाया था, इसका एक रीजन है, ये डायग्राम अभी भी बोर्ड पे है, इसका कोई रीजन है, ठीक है, ये तुम्हारी हेल्प करी मैंने। ये डायग्राम को नहीं हटाने का कोई लॉजिक, कुछ रीजन था, तभी नहीं हटाया, ठीक है। अब करो अथर्व गलत है, दक्ष गलत है, हिंट सुनी नहीं लगता यार आप लोगों ने। मैंने बोला ये डायग्राम नहीं हटाने का कोई रीजन है, बहुत बड़ी हिंट दे रहा हूं मैं आपको, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा काम तुम्हारा। चलो अब देखो जरा बोर्ड पे ध्यान दो, मैंने बिल्कुल हलवा बना के दे दिया, देखो तुमको अब तो तुम्हें आंसर दिख जाना चाहिए फटाफट। किसी का सही नहीं आया अभी तक, नहीं देते। चलो मैं बता रहा हूं, ध्यान दो यहां पे सब जने बोर्ड पे, सबका बोर्ड पे ध्यान, प्लीज पे अटेंशन एट द बोर्ड, प्लीज पे अटेंशन एट द बोर्ड। चलो आई होप कि सब यहाँ ध्यान दे रहे हैं। अब ये बताओ ये जो क्वेश्चन करा था अपन ने क्यूब के कॉर्नर पे चार्ज वाला, इसमें बॉटम फेस से फ्लक्स आया था क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, है ना, और ये बॉटम फेस के एक कॉर्नर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो भी साइड लेंथ है उतनी डिस्टेंस पे जाके चार्ज है। इस फेस से जो चार्ज दिख रहा है वैसे ही हमारे इस फेस से नहीं दिखेगा क्या चार्ज? हाँ हमारा ये जो फेस है ए बी सी डी, इसके भी तो एक कॉर्नर से कुछ हाइट पर चार्ज है, और मैंने कहा ना ये चार्ज बिल्कुल कॉर्नर पर ही है, बिल्कुल क्लोज टू कॉर्नर है, तो इस फेस को जो ये चार्ज दिख रहा था और इसको जो चार्ज दिख रहा था कोई फर्क होगा क्या इनमें? कोई डिफरेंस होना चाहिए क्या इनमें? कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, है
है ना, दे दिस फेसेस द बॉटम फेस हियर एंड द बॉटम फेस हियर आर ऑब्जर्विंग द चार्ज आइडेंटिकल मैनर, आइडेंटिकल दिखना चाहिए उन्हें चार्ज, तो इनसे तो फ्लक्स अभी भी वही आना चाहिए ना जो यहाँ आया था। इस बॉटम फेस से जो फ्लक्स होगा, इस वाले फेस से जो फ्लक्स होगा वो होना चाहिए था क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, समझे बात ये, बिकॉज चार्ज इज वेरी क्लोज टू कॉर्नर मैंने कहा था, तो बॉटम फेस से इस चार्ज का फ्लक्स वही दिखना चाहिए तो चार्ज को एग्जैक्ट कॉर्नर पर रखने पे दिखेगा, दैट इज क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, समझो अच्छे से ये। और बाय सिमेट्री, अब ये वाला जो फेस है इधर वाला, इससे भी वही चीज बोलूंगा मैं क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इसके भी तो एक कॉर्नर से कुछ हाइट पे यहाँ पे चार्ज है, सेम लॉजिक। ऐसे ही मैं ये आगे वाले फेस के लिए भी बोलूंगा, ये आगे वाला फेस, इसमें भी क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट होगा। कौन से वाले फेस की बात कर रहा हूँ, एफ जी सी बी, एफ जी सी बी, ये फ्रंट फेस, क्यूब का जो फ्रंट फेस है, इससे भी सेम लॉजिक, चार्ज इसके एक कॉर्नर से ए हाइट पर है, कुछ जितनी क्यूब की साइड लेंथ है उतनी हाइट पर है, तो तीन से तो फ्लक्स पता है तुमको, और बचे हुए तीन के सिमेट्री है तो उनसे भी आइडेंटिकल फ्लक्स होना चाहिए, जितना फ्लक्स इस टॉप सरफेस से होगा उतना ही एडजेसेंट फेसेस से भी होगा। ये वाले टॉप सरफेस से जो फ्लक्स होगा, फ्लक्स फ्रॉम ई एफ जी एच शुड बी आइडेंटिकल टू ई एच डी ए, बिल्कुल चार्ज सबके कॉर्नर पे एकदम कॉर्नर के पास में, ए बी एफ ई, इन सबसे सेम ही फ्लक्स होना चाहिए, इन सबके एक कॉर्नर के वेरी क्लोज चार्ज है, ठीक है, तो इन तीनों से आइडेंटिकल फ्लक्स है और बाकी तीन से तुम्हें पता है। अब टोटल फ्लक्स फ्रॉम द क्यूब क्या होना चाहिए, चार्ज पूरा अंदर है तो थ्री टाइम्स ऑफ फाइव प्लस थ्री टाइम्स ऑफ क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, टू टाइम्स ऑफ फाइव प्लस थ्री टाइम्स ऑफ बचे हुए तीन फेस का फ्लक्स, छह फेस का टोटल फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए बिकॉज चार्ज इज कंप्लीटली इनसाइड द क्यूब। सो यहां से अपन ये फाइव निकाल सकते हैं, बता रहे हैं सी डी जी एच, सी डी जी एच। अच्छा ये वाला जो फेस है इसके देखो एक कॉर्नर से परपेंडिकुलर जाके चार्ज है यहां, इस फेस के प्लेन के परपेंडिकुलर जाके एक कॉर्नर से कुछ हाइट पे चार्ज है जैसा बॉटम फेस में था, तो इन दोनों से फ्लक्स सेम होना चाहिए, समझे। चलो देख लो अच्छे से, कहीं कोई डाउट, तीन फेसेस का फ्लक्स तो क्यू बाय 24 एप्सिलॉन नॉट है और बचे हुए तीन का आपने इस इक्वेशन से निकाल लेना है, आपको आप कर लोगे, समझ में आया क्वेश्चन। Is this clear? Yes, बच्चे मुझे बोल रहे हैं यस, ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अपन ने पढ़े गॉस लॉ से फ्लक्स निकालने के कुछ क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक लगता है इनमें, थोड़ा ध्यान लगाना पड़ता है, दिमाग से करना पड़ता है क्वेश्चन, है ना, बहुत बढ़िया। चलो एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूं मैं आपसे, मेरे पास एक सर्कल है रेडियस आर का, और उस सर्कल के सेंटर से आर हाइट पे जाकर मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया क्यू। मेरे पास एक सर्कल है रेडियस आर का और उसके सेंटर से एग्जैक्टली आर हाइट पे जाके एक चार्ज रखा हुआ क्यू, है ना, तो इस सर्कल के एरिया से कितना फ्लक्स होगा बताओ, फ्लक्स थ्रू दिस एरिया बताओ कितना आएगा। आयुष का डाउट आया सर, इस क्यूब का टोटल फ्लक्स क्यू बाय 8 एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए ना बिकॉज इट इज 1/8 ऑफ द क्यूब। नो बेटा आयुष, इसका ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि चार्ज मैंने पूरी तरह से अंदर बोला था आपको, ये चार्ज पूरी तरह से अंदर था, ये चार्ज मैंने कहा था ना कि रूम पूरा अंदर है क्यूब के, कॉर्नर के बहुत क्लोज है पर अंदर है, ठीक है, जब मैं क्वेश्चन बोला था तब शायद ये चीज बहुत बोली थी मैंने, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होना चाहिए टोटल फ्लक्स, टोटल फ्लक्स इज चार्ज इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। निमित वेरी गुड, मैंने एक क्वेश्चन और पूछा है बच्चों आपसे, मेरे पास एक सर्कल है रेडियस आर का, उस सर्कल के सेंटर से आर हाइट पे चार्ज रखा है,
बताओ इस सर्कल के एरिया से फ्लक्स कितना होगा? गलत, अनन्या गलत, ये जीरो आंसर कैसे आएगा यार, मुझे समझ नहीं आ रहा। अथर्व ठीक है, कशिश मुझे समझ नहीं आया, आप क्या इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो कि इसकी बात कर रहे हो? कशिश किस क्वेश्चन की बात कर रहे हो? ठीक मतलब सही, इससे पहले अच्छा। हाँ क्या डाउट है कशिश इसमें? भाई चार्ज इज इनक्लोज, चार्ज पूरी तरह से क्यूब के अंदर है, मैंने कहा है चार्ज इज पूरी तरह से क्यूब के अंदर है, कॉर्नर के बहुत पास में लेकिन कॉर्नर से अंदर है थोड़ा, तो क्यूब के अंदर है चार्ज, तो क्यूब से टोटल फ्लक्स होना चाहिए क्यूब बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, दिस क्लियर कशिश? दक्ष सही है, दक्ष गुप्ता, दो दक्ष है, एक का सही है एक का गलत है। ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं, मुझे लगता है कशिश समझ गई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा था, इसमें आपसे पूछा है फ्लक्स, मैंने तो ये क्वेश्चन गॉस लॉ से जरूरत ही नहीं करने की, ये इसका फॉर्मूला पढ़ाया था तुमको है ना, इसमें मैंने बताया था देखो ये एंगल यहाँ 45 डिग्री बन रहा है तो इसका फ्लक्स का तुम्हें फॉर्मूला दिया था मैंने, इस बेस से जो फ्लक्स होगा उसका फॉर्मूला पढ़ा था अपन ने, वो होता है क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू 2 पाई इनटू 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा थीटा 45 हो जाएगा। याद आएगा? यस ओके चलो आई होप कि अभी क्लियर है। ठीक है तो अपन ने गॉस लॉ से एक क्वेश्चन और देखा फ्लक्स कैलकुलेशन का, चलो एक क्वेश्चन और आ रहा है मेरे दिमाग में, एक और करते हैं अपन गॉस लॉ का एक और एप्लीकेशन देखते हैं, कितना है हमारे पास है टाइम अभी 10 मिनट है। चलो तो आई हैव अ पॉइंट चार्ज और उससे कुछ डिस्टेंस पे जाकर मैंने एक पतली एंड बहुत लंबी थिन एंड वेरी लॉन्ग स्ट्रिप रखी हुई है, दिस इज अ स्ट्रिप, इसकी विड्थ बहुत कम है इट इज W और इसकी लेंथ बहुत ज्यादा है ऑलमोस्ट इंफिनिटी है। ठीक है और ये चार्ज से कुछ एल डिस्टेंस पर रखी हुई है, तो ये स्ट्रिप एग्जैक्टली परपेंडिकुलर है चार्ज के, इसको अगर टॉप से देखोगे तो ये हमारा चार्ज है और उससे कुछ डिस्टेंस पे जाकर हमें अगर टॉप से देखोगे तो स्ट्रिप ऐसी दिखेगी, ये हो जाएगी स्ट्रिप है ना, उसकी केवल विड्थ दिखाई देगी आपको, W W विड्थ दिखाई देगी आपको ऐसा, ये टॉप से देखने पे, और साइड से देखते यहां से अगर तो आपको एक चार्ज दिखता उससे एल डिस्टेंस पे अपन को स्ट्रिप दिखती और स्ट्रिप आप एक लाइन जैसी दिखती आपको साइड से देखने पे, ये लाइन जैसी दिखती स्ट्रिप। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? ये थ्री डायमेंशन में डायग्राम दिखाया मैंने, ये टॉप से ये साइड से, तो एक पतली सी लंबी सी स्ट्रिप है, इट इज वेरी थिन, डब्ल्यू बहुत छोटा है मैंने कहा है, डब्ल्यू इज वेरी स्मॉल लिख लीजिएगा, एल बहुत बड़ा है उसके कंपेयर में, डब्ल्यू इज वेरी स्मॉल। ठीक है W is small than L. तो क्वेश्चन का डायग्राम आई होप कि सबको क्लियर है कि एक पतली सी लंबी सी स्ट्रिप है और उस स्ट्रिप से कुछ डिस्टेंस पे चार्ज रखा है और ये लंबी सी स्ट्रिप से आपको फ्लक्स निकालना है। चलो करो ट्राई एक बार आप लोग, you need to find flux through the strip,
जरूरी नहीं कि गॉस लॉ से करो, आपकी जैसी इच्छा कर सकते हो, इंटीग्रेशन से भी क्वेश्चन हो सकता है, ये गॉस लॉ से भी हो सकता है। तो आपको इंटीग्रेशन से आए तो इंटीग्रेशन से करो, गॉस लॉ से आए तो गॉस लॉ से करो। हेलो ऋतिक, वेरी गुड। ओके ओके चलिए, तो आप लोग भी अटेम्प्ट करते रहिए, मैं थोड़ा सॉल्व करता हूँ, अदरवाइज बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा अगर मैं स्टार्ट नहीं करूंगा। तो आप लोग आपका अटेम्प्ट करिए। चलो, अगर बोर्ड पे ध्यान दे रहे हो तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने चार्ज से एक कोई जनरल पॉइंट के स्ट्रिप पे यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी। जैसे इस डायग्राम में बताऊं मैं तो, मैं यहाँ वाले पॉइंट से वाई हाइट पे गया हूँ और यहाँ पे डी वाई का एक छोटा सा सेगमेंट लिया मैं। इस चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इस डायरेक्शन में होगी। मैंने इस लेंथ को आर मान लिया और ये एंगल थीटा मान लिया, तो वाई बाय एल by by l it should be tan theta और r जाएगा l sec theta। तो ये सब लिखा है यहाँ पे मैंने, तो dy equal to आ जाएगा। तो यहाँ जो electric field होगी वो एक angle पे, तो यहाँ छोटे सा ये पट्टी का मैंने छोटा सा segment ले लिया, मेरी जो strip थी ना उसका एक छोटा सा और segment ले लिया। इसका area vector ऐसा होगा, वो मैं यहाँ दिखाऊंगा तो वो area vector ऐसा दिखेगा मुझे, ठीक है। इस छोटे से area पे छोटा सा flux लिखते हैं पहले। तो E का मैग्नीट्यूड, A का, DA का मैग्नीट्यूड और एंगल, ये चीज चाहिए मुझे। तो E का मैग्नीट्यूड होगा पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यूब आर स्क्वायर और R होगा ट्रिग्नोमेट्री से यहाँ पे L sec थीटा। ये सब ट्रिग्नोमेट्री वगैरह फटाफट आना चाहिए ना, ये इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए अपन को, पढ़ा है आपने 11th में मैथ से आपका। तो L sec थीटा वॉज द R। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और DA के बीच का एंगल देखो, यहाँ पे डी थीटा है तो फ्लक्स होगा छोटा सा, जो फ्लक्स होगा उसको लिखेंगे आप E, which is KQ by L square, sec square theta into DA. Now this small area is, this height is dy, this width is w, so w dy, और उनके बीच में एंगल का cos. dy को सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, it is L sec square theta d theta. So ये बन जाएगा मेरे पास KQ cos theta, dy को लिख दिया मैंने L sec square theta d theta, holding divided by नीचे l square sec square theta,
चेक इसको थेटा जा रहा है, W बाय एल बच रहा है केवल, तो डी फाई हो गया के क्यू डब्ल्यू बाय एल, और एक बचेगा मेरे पास से कॉस थीटा। टोटल फ्लक्स के लिए बस अब इसे इंटीग्रेट करने का काम बचा है, और जब आप इसे इंटीग्रेट करेंगे तो ये थीटा की लिमिट अब पूरा ऊपर और पूरा नीचे जाओगे तो पूरा ऊपर का प्लस पाई बाय टू, नीचे का माइनस पाई बाय टू, तो लिमिट शुड बी फ्रॉम माइनस पाई बाय टू टू प्लस पाई बाय टू। नाउ यू जस्ट नीड टू इंटीग्रेट दिस एक्सप्रेशन, तो के क्यू ओमेगा बाय एल कॉस थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा में पाई बाय टू वन माइनस पाई बाय टू माइनस वन सब रखोगे तो टू आ जाएगा, तो के की वैल्यू डाल दो तो बन रहा है टू बाय टू पाई एप्सिलॉन नॉट डब्ल्यू बाय, ये आंसर आ रहा है, ये मैंने इंटीग्रेशन से आंसर निकाला। बताओ इंटीग्रेशन से समझ में आया कैसे करा, मैथमेटिक्स पे जाने की जरूरत नहीं है, लॉजिक समझना है। हाँ कोई डाउट किसी को, कोई भी डाउट? चलो आई होप सब कुछ क्लियर है। तो मैंने क्या करा था, चार्ज से एक जगह पे इलेक्ट्रिकल लिखी, छोटा सा एरिया लिया, यहाँ पे छोटा सा फ्लक्स लिखा, छोटे से फ्लक्स को वो इंटीग्रेट करके टोटल फ्लक्स निकाला है ना, बाकी फिर मैथमेटिक्स इसमें। यस, अब ये टोटल फ्लक्स को मैं गॉस लॉ से भी निकाल सकता हूँ, गॉस लॉ से बहुत आसान हो जाएगा। देखो ये टॉप व्यू जो था ना, इस टॉप व्यू में इमेजिन करो कि मैंने चार्ज को पूरा बंद कर दिया था, चार्ज को मैंने पूरा बंद कर दिया था, मैंने बहुत सारी पतली 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 स्ट्रिप लगा दी और चार्ज को बंद कर दिया। तो ये टॉप व्यू है, और 3D में देखोगे तो आई हैव क्रिएटेड अ सिलेंडर, एक सिलेंडर बनाया मैंने और चार्ज को पूरा उसके अंदर लेके आ गया। ये सिलेंडर बहुत सारी पतली पतली स्ट्रिप से बना हुआ है, ये ऐसी बहुत सारी स्ट्रिप से बना हुआ है सिलेंडर। कैन यू इमेजिन कि ऐसी पतली पतली स्ट्रिप को अरेंज करते जाएंगे तो एक सिलेंडर बना सकता हूं ना मैं, है ना? यस, टॉप से वो सिलेंडर ऐसा दिखेगा। अब एक स्ट्रिप जो थी यहां पे हमारी, उसकी लेंथ थी W, विड्थ थी W, और ये मेरे पास जो रेडियस दिखेगी वो L। तो इस चार्ज का जो टोटल फ्लक्स है वो किस किस एंगल में जा रहा है, ये पूरे 2π एंगल में जा रहा है। एक स्ट्रिप से कितना फ्लक्स जाएगा, एक स्ट्रिप का यहाँ एंगल कितना है वो निकाल लो, क्योंकि ओमेगा बहुत छोटा है इससे, तो आप ये जो एंगल है इसको अपन आर्क बाय रेडियस के कॉन्सेप्ट से, ये जो छोटा सा एंगल दिखेगा थीटा, इसको ओमेगा बाय एल लिख सकते हो, जो भी एंगल है थीटा वीटा मत बोलो, ओमेगा बाय एल लिख दो। सो पूरे 2π एंगल में टोटल फ्लक्स जा रहा है, तो चार्ज का टोटल फ्लक्स जा रहा है 2π एंगल में, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट टोटल फ्लक्स जा रहा है 2π एंगल में, और एक स्ट्रिप का एंगल कितना है ओमेगा बाय एल, तो वो इसको मल्टीप्लाई कर, तो यूनिटरी मेथड से देखो वही फ्लक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, ये सेम चीज लिखी हुई है। इस चार्ज का टोटल फ्लक्स ये पूरे कर्व सरफेस से पास कर रहा है, ये सिलेंडर बहुत लंबा है तो इसके प्लेन सरफेस से तो जीरो फ्लक्स पास करेगा, जो भी चार्ज का फ्लक्स है वो ओनली कर्व सरफेस से पास करेगा, क्योंकि ये प्लेन सरफेस जो आएगी वो इंफिनिटी पे चली जाएगी, है ना? तो ओनली कर्व सरफेस से टोटल फ्लक्स है, टोटल फ्लक्स पास कर रहा है पूरे 2π एंगल में, तो एक स्ट्रिप का फ्लक्स क्या होगा इनटू ओमेगा बाय एल, एक स्ट्रिप का जो एंगल है। अरे गॉस लॉ से कैसे करा मैंने, देख लीजिए सभी बच्चे। हाँ बोलिए सर, इसको ऐसे नहीं कर सकते क्या कि उन स्ट्रिप्स को ऐसे पैरेलली अरेंज करके 2L लेंथ का एक क्यूबॉइड बना दें तो भी तो वो इनक्लोज्ड हो जाएगा? क्यूबॉइड बना लेंगे लेकिन हर स्ट्रिप से इक्वल में बोल पाऊंगा क्या फ्लक्स, हर स्ट्रिप आइडेंटिकल होगी क्या? सर हमने वही सेम स्ट्रिप्स को पैरेलली अरेंज करके तो बनाया है तो आइडेंटिकल, हर स्ट्रिप का चार्ज से डिस्टेंस सेम रहेगी क्या? सर क्यूबॉइड में तो रहेगी ना, क्यूबॉइड में कैसे रहेगी यार, चार्ज एकदम सेंटर पे है, तुम टॉप से देखोगे तो क्यूब में सर, हाँ क्यूब बनेगा जो भी रहेगा उसका, नहीं स्ट्रिप तो बहुत लंबी है ना, जब बहुत सारे स्ट्रिप लगाएंगे तो क्यूबॉइड ही बनेगा, वो लंबाई ज्यादा होगी और साइड लेंथ कम होगी। ओके सर, हाँ तो तुम्हें 3D में देखोगे तो शायद ऐसा कुछ सोच रहे हो आप कि चार्ज ऐसा रखना है और उसको एक ऐसा बॉक्स बना के बंद करना है, ऐसा कुछ सोच रहे हो ना? यस सर। हाँ तो इसमें दिक्कत क्या हो रही है, देखो इसको टॉप से देखो, तो ये जो स्ट्रिप है ये स्ट्रिप
ये पूरी डब्ल्यू नहीं थी, ये तो तुम्हें क्यूब बनाने के लिए इसके अंदर तुम्हें लेंथ चाहिए होगी 2L, यस, और अपनी जो ओमेगा है वो तो बहुत छोटी है, तो तुम्हारी जो एक स्ट्रिप है वो छोटी सी यहाँ पर, और ये सारी स्ट्रिप अलग अलग डिस्टेंस पे होगी, चार्ज से कुछ ज्यादा डिस्टेंस पे है कुछ कम डिस्टेंस है, यस सर, तो सबसे सेम फ्लक्स ही जाएगा, तो सेम फ्लक्स नहीं जाएगा, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई एक स्ट्रिप से कितना फ्लक्स है टोटल। यहाँ क्या करा मैंने, सारी स्ट्रिप को आइडेंटिकल रखा है, हर स्ट्रिप का चार्ज से डिस्टेंस एल रखी मैंने, तो हर स्ट्रिप से आइडेंटिकल फ्लक्स है, इसलिए यूनिटरी मेथड लगा पाया मैं। ओके सर, वेरी गुड, और किसी को कोई भी डाउट? सर टोटल फ्लक्स तो ऊपर और नीचे भी जाएगा, यस आपने सही पूछा, मैंने उसका जवाब भी दिया था आपको, टोटल फ्लक्स ऊपर और नीचे से जीरो जाएगा, क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिप बहुत लंबी है, ये इनफाइनाइट लेंथ का सिलेंडर है, तो ये जो टॉप फेस है ये इन्फिनिटी पे, यहाँ फ्लक्स जीरो, बिकॉज चार्ज से है इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी, थिंक की यहाँ चार्ज है तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी अगर ये इन्फिनिटी डिस्टेंस पे, तो जीरो, तो इस फेस से फ्लक्स जीरो, बात है ना, टॉप फेस और बॉटम फेस से फ्लक्स जीरो, जो भी फ्लक्स है केवल कर्व सरफेस से पास कर रहा है, बिकॉज सिलेंडर इनफाइनाइट लेंथ का है। सर यूनिटरी मेथड से वापस समझा दो, अच्छा क्या समझ नहीं आया, टोटल चार्ज का फ्लक्स था क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स इन सारी स्ट्रिप से, इन सब स्ट्रिप से मिलकर टोटल फ्लक्स है क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, सारी स्ट्रिप मिलकर चार्ज पे 2 पाई एंगल बना रही है, तो बाय 2 पाई करो, एक स्ट्रिप का एंगल ओमेगा बाय एल, यूनिटरी मेथड में यही करते ना कि जैसे 10 चॉकलेट आ रही है मान लो 5 रुपए की, तो अपन लिखते हैं कि 10 चॉकलेट आती है 5 रुपए की, तो एक चॉकलेट कितनी की आएगी, 5 बाय 10, तो दो चॉकलेट की कीमत क्या होगी, ऐसा तो वही करा है, देखो मैंने 2 पाई एंगल में इतना फ्लक्स, तो इतने एंगल में कितना फ्लक्स, ओके यस ओके वेरी गुड, चलो किसी को और कुछ भी डाउट इसमें, देखो गॉस लॉ का कितना अच्छा एप्लीकेशन है ये, इतना इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ा, कितना शॉर्टकट में हो गया यहाँ पे, है ना, और ये लॉजिक जो है ना गॉस लॉ का ऐसा कि बंद कर लो चीज को बीच में, ये कई जगह आता है, तो आईआईटी में भी ऐसे कई क्वेश्चन आए हैं, मैं हर क्वेश्चन तो अब यहाँ नहीं बताऊंगा आपको, मैंने हिंट दिया आपको कि ऐसे क्वेश्चन कई जगह मिलेंगे आपको, तो आपके दिमाग में होना चाहिए ये लॉजिक, ठीक है। चलो ओके बच्चों, तो अब मैंने थोड़ा सा 5 मिनट ज्यादा ही ले लिया आपके, तो अब मैं यहीं रुकता हूँ, आज की क्लास में अपन ने गॉस लॉ के एप्लीकेशन सीखे, तो एक एप्लीकेशन पढ़ा अपन ने आज, हमने पढ़ा अभी गॉस लॉ का फ्लक्स निकालने का एप्लीकेशन, अब नेक्स्ट क्लास में हम और एप्लीकेशन भी देखेंगे, तो आपका काम है कि आप लोगों को जितने भी डेरिवेशन मिले गॉस लॉ से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के, वो सब देख के आना है, आपके मॉड्यूल में डेरिवेशन है, आपको मैंने कुछ बुक सजेस्ट करी पढ़ने के लिए, SCV, रेसिंग हिलेडे, इनमें जो भी आपको गॉस लॉ से रिलेटेड जो भी डेरिवेशन दिखे वो सब आपको पढ़कर आना है, ठीक है, वो सब पढ़कर आओगे अच्छे से समझ के आओगे तो यहाँ पे जल्दी समझ में आएगा आपको, एंड थिंग्स विल बी इजियर, क्लियर। चलो आई होप सबको क्लियर, ओके बच्चों टेक केयर, बाय सबको, मिलते हैं नेक्स्ट।